हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड ब्लूम। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही प्यारे लो मेंटेनेंस वाले प्लांट के बारे में, जिसका नाम है बोगनवेलिया। ये प्लांट मुझे वैसे तो बचपन से ही बहुत पसंद है। जब भी किसी घर या किसी दीवार पर ये प्लांट लगे हुए देखती थी तो आँखों को बहुत सुकून सा मिलता था। जब कभी आप रोड साइड जा रहे होते हैं तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पूरी की पूरी लाइन ही इन प्लांट्स की दिखती है, जो मन को बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे पास इन बोगनवेलिया के कई प्लांट्स हैं, परंतु आज मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो ये कि इसका प्रोपगेशन हम वाटर में भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बोगनवेलिया की कटिंग कहीं से लाई हूँ। जब भी आप इस प्लांट की कटिंग लगाएं, तो किसी भी प्लांट की कटिंग जब आप लगाएं तो एक नहीं, जब भी आप कोई कटिंग लगाएं तो आपको एक कटिंग नहीं लगानी है, चार या पांच या उससे भी ज़्यादा कटिंग लगाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सारी ही कटिंग सक्सेस हो जाए। तो ये कटिंग मैंने पानी में डाल दी और ये देखिए, ये 22 दिन के बाद इन कटिंग्स में से छोटी छोटी रूट्स दिखाई देने लगी हैं। इन कटिंग्स को मैंने इंडोर ही अपने किचन की खुली खिड़की के पास में रखा था और अब ये देखिए, ये 21 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। रूट्स कुछ बड़ी हो गई हैं और ब्रांचेस पर कुछ लीव्स भी दिखाई देने लगे हैं। और अब ये देखिए, ये तो 38 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। थोड़ी सी रूट्स भी बड़ी हुई हैं और लीव्स भी ज़्यादा हो गई हैं। जो लीव्स छोटी थी वो अब थोड़े बिग साइज़ में हो गई हैं। तो देखते हैं एक एक कटिंग को कि क्या हाल है इनके। ये देखिए, ये कटिंग ये लगता है कि चल रही है। ये एक तो थोड़ी स्लो भी लग रही है। एक बात और गार्डनिंग में जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमें कभी भी पेशेंस लूज़ नहीं करनी होती है। जब तक कि ब्रांच बिल्कुल डेड ना हो जाए, आप उसको थोड़ा सा कुरेद के देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि ये अभी ग्रीन है या बिल्कुल डेड हो गई है। जब तक वो बिल्कुल डेड नहीं हो जाए, मैं तो उसे कभी भी नहीं निकालती हूँ। क्या पता कब कोई अंकुर निकल आए और कब कोई प्लांट हंसने मुस्कुराने लगे। दोस्तों, ये बात सिर्फ गार्डनिंग में ही नहीं, ज़िंदगी के हर मोड़ पर लागू होती है। और मेरी भाषा में तो इसे कहें तो कहते हैं कि दिल छोटा नहीं करीदा, हौसला रखीदा। हाँ, तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे ये कटिंग्स चल पड़ी हैं। और अभी तो मैं इन्हें कुछ दिन और पानी में रखूँगी। जब ये इनकी रूट्स थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी तो फिर इन्हें रिपोर्ट करूँगी और रिपोर्ट करते समय और उसके बाद का रिज़ल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी अन्य टॉपिक पर एक अन्य वीडियो में। आपकी दोस्त, बाय बाय।